14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, देख लीजिए आप चित्र में। ठीक है, आप यहाँ कहाँ देखोगे चित्र में, चित्र में कहाँ देखोगे छोरो, ये लो देख रहे हो, इधर आओ, एक मिनट रुको, इतना बड़ा दिन हो गया, मैं जाने दो बारू चित्र आगे तो जुमा मेरा चित्र है कटा चित्र बेरो आगे दिखा। शायद अपलोड हो कम दिखा है, कोई ना, चित्र में किताब पर हम देख लिया अपना। देखो एक तो वृत्त है एबीसीडीयू के अंदर, मानकर चार वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि प्रत्येक तीन वृत्त शेष दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त बनाया वो तीन, 12 बच गया ना, चार वृत्त हम एक बढ़ाओ वो तीन ना, तीन नाम दो एन टच करा वो एक ने टच को नहीं। ठीक है, देख लो दो एन, देखो ए वृत्त है वो बी और डी ने टच करा, सी एक लो खाली पड़े, ए के कौन टच करा ना, अरे बी है वो ए सी ने करा, डी कौन करे, सी है वो बी और डी ने करा, ए ने कौन कर लागे, ए दो एन टच कर लागे, तो कोई समझने वाली बात को नहीं है। आगे देखो के समझना, छाया की तो बात को क्षेत्रफल ज्ञात करना। सुनो वर्ग काटे, वर्ग को मतलब थीटा मान 90 डिग्री होगा, पहला तो आप क्लियर कर लियो, पहला तो ये बात नहीं पकड़ लियो, थीटा मान कितना डिग्री होगा, 90 आगे हो गए। ठीक है, भुजा वर्ग की भुजा, यानी आज को वर्ग बन रहे हो आप, इतना से एक वर्ग कौन बन रहे हो, वो पूरा 14 सेमी है, अर्बिंग मा इतना चक्रिया मंड रही, आधी आधी भुजा पर चक्रिया मंड रहे हैं, तो मतलब वो 14 पूरे यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी आधी कौन हो जाएगी, यानी 7 7 सेमी की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेमी, क्योंकि वर्ग की भुजा यदि 14 सेमी है तो इसकी त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी। एक वृत्तखंड को त्रिज्या खंड ज्ञात कर लो, सुनो भी कर लो, देखो एक इंग मा एक चतुर्थांश इन्ह है, एक अठहर एक उरे भी होगो, इले कॉर्नर पर ही होगो, कौन होगो इन्हें, अरे एक एम्पर भी होगो, होगो ना, ऐसा टच कर रहे हैं, एम चित्र मत कौन करे टच, लेकिन एम कर ला रहे हैं किताब में देख लो, चार चतुर्थांश हो गया, तो क्या हो गया पूरा एक वर्ट हो गया, चार चतुर्थांश, इसी बार बताया ना, रोटी का चार टुकड़ा करना पूरी रोटी मिल जाए, पहला एक को ज्ञात कर लो फिर चारों गुणों कर लियो, क्योंकि त्रिज्या चारों के समान है, एक वर्ट का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, मान होता है त्रिज्या खंड का थीटा मान 90 डिग्री, 360 वाई गुमान 22/7, आर गुमान त्रिज्या 7 सेमी है, मैं तो लिख रहा कि लेकिन था थे सोचो याद कर लिया, याद करके नहीं समझो हट हूँ क्या, आइए सा पूरी भुजा 14 सेमी वर्ग की, आधी आधी पर दो वर्त हैं तो 7 7 पूरा होगा ना, 7 7 एलो कट और 0 0 9 36 हमेशा 4 बार कटे, 9 1 9 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
बटा दो, जैसे दो है ना वो जो दो सेम स्क्वायर आ गए। चारों वर्तों की त्रिज्या समान है और थीटा का मान 90 डिग्री है, अतः 4 से गुणा कर लो। कोई कोई बात नहीं, वो तो 1 से निकाल लो। चारों काटे हो लो, 2 का पढ़ाओ, 4 न काटे 2, 77 न 2 गुणों करो, क्यों गुणों करो, 2 154 सेम स्क्वायर आ जाओ। ओके वो आ गयो, बादला बादला सक्रिय हूँ। अब बादला बादला सक्रिय इंज का किताब में देखो अड़का अड़का नीला दिखने लग रहे। अब पूरे वर्ग क्षेत्रफल में एबीसीडी का वर्ग क्षेत्रफल में चार अड़का अड़का क्षेत्रीय दिखे, अंग उगात कर ले, पूरा गाढ़ो नीला कलर को दिखे ना, एक बिंगवा जो माना ठीक है, यानी उसे छायांकित भाग बोलेंगे। देखिए क्या है मामला, क्या है वो मामला देखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 154, ये निकाला था ना, ये गोल गोल चक्र वाला, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला था हमने, इसको घटा देंगे। वर्ग को क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, वही था नब्बे है, और भुजा को मान 14 सेमी दे रखियो, 14 14 गुणों करा, 14 14 गुणों 196 है, हमेशा याद रखो ये चीज, 196 माइनस 154, 196 154 घटाऊंगा। देखो 6 में 4 गया 2 बच गया, 15 19 में 15 गया 4 बच गया, सेम स्क्वायर आ गया ठीक है। चलो लगता है ताक लोर देख लो, लगता ही। अब गया दौड़ को ट्रेक, क्या ट्रेक है, दौड़ने का आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, दोनों सिरे क्या है, ये देखो बाएं और दाएं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इधर वाला ये वाला, ये अर्धवृत्ताकार, आधा आधा साल सा कौन दिखेगा, अर्धवृत्ताकार सिरे ठीक है। अच्छा अपने को क्या करना है, अर्धवृत्ताकार दोनों के आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, आंतरिक समांतर खंड, एक तो ओ आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर वाला ओ और एक ओ, आगे बीच की दूरी कितनी है 60 मीटर, कितने मीटर है 60 मीटर, इनमें प्रत्येक खंड 106 मीटर लंबा, यानी 8 ले के और 8 तक की दूरी है ना, पूरी गोली काट दी, सुनो 8 ले के और उड़ तक की दूरी 106 मीटर है, कितने मीटर है 106 मीटर,
ठीक है, और प्रत्येक पद 10 मीटर चौड़ा है, ओ इन 10 मीटर है, वो भी 10 मीटर चौड़ा है, सुनो आगे के, और यह बीच में 60 है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अंदर से एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी अंदर अंदर पूरू लेके चाल है कोई भाई हो या भाई कोई चाल है तो अठ ताई घूम घाम के, और अगन चाल बोकरे और अगन ताई चले जा आराम से, जा बोकर कोई को नट है इन्हें घूम जा अब पास हो जा। मान लो अठ तक पूरा चाल गया है, अठ तक चाल गया है, ऊर तक चाल गया है, तो ताई क्यों जाएंगे एक आंतरिक चक्कर लगा, यानी माइन माइन चक्कर लगा दिए, ठीक है, वो एक बाह्य चक्कर है। तो इन उपरण दूरी कितनी तय करिए, तो दूरी थाने बेरो क्या के अठो चाल लो है पूरी दो जोड़ बोकर परिधि जोड़ बोकर कितनी है, परिधि बोल दे या फिर परिमाप बोल दे। देखो एक सौ इन चाले आप देखो 106 तो चाल गया, चाल गया अच्छा 106 ही चाल गया, 106 106 2 बार हो गया ना, 212 हो गया, कितना हो गया 212, और पूरे आधी परिधि और चाल गया, आधी परिधि ने चाल गया, आधी आधी एक परिधि होगी कौन, एक परिधि की नहीं वृत्त की, और उनसे भाई ले छोटी वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या और मेरे को नहीं व्यास जरूर दे रखे, देखो 60 दे रखे, कितना मीटर 60 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी ना। अच्छा अब 2 पाई और सूत्र दे रहे ऐसी लगा के मैंने देखो इतनी बार में, और त्रिज्या मान 30 लेगी, 30 निकाल देगी, ठीक है। चलो पहला देखें, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पहली क्या होगी, बी यू लेगे डी ताई दूरी चालियो, ठीक है, फिर पी यू लेगे एस ताई चालियो या एस पी दूरी चालियो, एस पी देखो ओ है बी ओ पी ओ डी ओ एस ओ क्यू आर ओ अठा आर मान रखे ऊपर ए बी सी मान रखे, ठीक है। चलो बी डी और एस पी प्लस दो छोटे अर्धवृत्तों की परिधि, यानी ए आदि वृत्त की परिधि ए आदि वृत्त की परिधि, या पूरा मान ले दोनों एक एक ही बात गले, एक 106 106 तो मैं थाना बता दिया 212 दोनों साइड में, प्लस 2 गुणा पाई को मान 22/7 आर को मान 30 हो ही गयो। अब बैठे मैं काटे की थाना बेरो है पूरे की किए हुए काट दे और नहीं ना काटो उसको बात को, देखो पूरे की हुए 2 पाई आर आधा की 2 पाई आर/2 2 2 कट गयो, अच्छा 2 बार लेना है वर्त अपन तो 2 गुणा कर दिया, तो बात एक ही है 212 अनुगुणों कर लियो 22 ने देखो 60 ने 30 ने 2 गुणों करो 60 60 ने 22 गुणों करो 132 जीरो ला जो वही तो उतरा जो अब इंग्लिश की कोनी एक लगा लो एक लगा के हल कर लो मत करके देखे वही तो सो आओगे देखो 7 लगो तम आ जाओ 7 को भाग दियो 7 नहीं गुणों करा 7 2 14 को 4 हंसल लगी 1 7 1 8 7 2 14 14 84 और इन 1320 सही जोड़ा 2804/7 मीटर आ जाओ। अब मीटर स्क्वायर ना कर दियो दूरी ज्ञात करनी है, दूरी को मात्र कदे ही कोनी और उसके क्षेत्रफल हो है क्षेत्रफल को स्क्वायर होगा, ठीक है ना, दूरी को नहीं होगा तो मीटर आ जाओ, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो जगह बचाइए, जगह में देखो दूसरा पथ का क्या क्या ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल दौड़ना रो कौन सुबह भाई कहीं टूट के पड़ा मैं हूँ भाई अठे कौन दौड़ना रो उरे देखो पूरे देखो दौड़े कट्ठे कट जाओ और देखो अठ की दौड़े जाओ लड़ी तारो पालो आज ती और घटी पड़े उड़े दौड़े कट्ठे कट जाओ कई तो ए देखो कई कहेंगे माखी दौड़ लिया कि माखी कौन दौड़ना ले 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 एक बार मिटा ले हमारे भी जाए देख ओ लियो अठे की दौड़ा वो चक्कर आ गलो चक्री काट वाला कहे चक्कर मारे बेरो फोन आ लियो अठे की चक्री काट के आओ गई और 12 आ गई है ना 12 आ गई आज जाने जो किए थाने समझना है इन वाकी चक्री काट हो तो इन पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर तो इनके के दिख गयो थाने एक आयत तो ऊपर दिख गई होगी ए बी सी डी दिख गई एक नीचे होगी पी क्यू आर एस दो आयत होगी ठीक है दोनों आयताओं क्षेत्रफल जुड़े हुए प्लस बार लो बड़ो वर्त है और माइलो छोटो वर्त है एक ही केंद्र पर दोनों जो सेकेंद्री हो गया ना अच्छा बड़े वाले वर्त में से छोटे वाले अर्धवर्त अर्धवर्त है अर्ध इसो इन तो अर्ध और अर्धो पूरे वर्त बना देंगे बढ़ा दो पूरे वर्त बडोड़े में छोटियों घटा लिया ठीक है चलो लगाओ दौड़ कितनी लगा सको तो 2 तो आयतों का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आई समझ में आ गई कोनी आई नहीं बड़ोड़े को छोटिया को अच्छा 2 गुणा 106 क्या हुआ यो 2 तो लगा रहा वो आयत को क्षेत्रफल क्या हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई कितनी है अरे बाखंडा की लंबाई कितनी समांतर है 106 ही ना देखो अच्छा आर ई अच्छा अच्छा और चौड़ाई चौड़ाई 10 मीटर आई ठीक है कोई बात नहीं लगा दो
दो बार लगा दिए, दो गुणों कर दो, लगा दो ठीक है, हो गया 106, दो गुणों 10 गुणों करो पहला, 106 106 212, 212 10 गुणों करो, एक बिंदी ला जाए तो क्लियर हो गया। प्लस पाई बड़ोड़े खतर आर कैपिटल लिखे में, छोटे खतर आर समोल लिखे, आधो आधो ही वास्ते करिए में कि है गो, आधो आधो की वास्ते करिए, की वास्ते करिए अर्ध वर्त है, बटा दो वो पूरे वर्त को क्षेत्रफल हो। कॉमन के क्या जो पाई बटा टू दोनों साइड में कॉमन आ गया, टू टू कट गयो, बच्चे पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, पाई को देखो 2120 है तो लिख दिया, 22/7 का 22/7, कैपिटल आर को मान 40 की स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर को मान 30 की स्क्वेयर, आई समझ में आ गई ठीक है। अब देखो 2120 का 2120 प्लस का प्लस 22/7 का 22/7, 40 की स्क्वेयर, स्क्वेयर करना खातर जीरो है, एक जीरो तो दो जीरो करो, चार को स्क्वेयर 16 है तो 1600 हो जाओ, इंगो तो कितना हो जाओ 1600, कितना सो 1600, और इंगो 3 को 9 हो जाओ और एक जीरो दो जीरो 900, 1600 इंगो 900, 1600 में 900 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पीछे 700 बचेगा, कितना बचेगा 700 ठीक है। अगले पेज पर देख लो, थोड़ा उसमें नीचे सर के थोड़ा उस सर को ना, बस ना देखो 2120 प्लस 22, ये 22 है, 22/7 इन 1600 में 900 घटाया 700 बच गया, 7 का पढ़ो 700 100 बार कटेगा, देखो 7 7 एक बार और 2 0 का 2 0, अब 2120 का 2120 22 ने 100 के नीचे की कौन था, एक लगा लेने से एक को तो 28 भी एक को इकट्ठे बाद में एक में एक गुणों जो 22 ने 100 गुणों करती, 22 दाएं नहीं 22 दाएं 220 हो, लेकिन 22 ने 100 गुणों करा दो बिंदा लाग जाएगा, तो 2200, 2120 में 2200 जोड़ा दो, जोड़ लियो 0 में 0 दो 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 और 1 3 दो और 2 4 आगे के 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे हो गए। अच्छा ठीक है, अब अठे टावरों संख्या को नहीं है थे, संख्या लगा लो, उत्तर नंबर आगे लो कौन सा थारो फट दे से लगा लो, काली है काली में लगाओ, काली है तो काली में लगाओ, कौन सा सवाल है वो, अब चला वो थारा 9 नंबर, क्या नंबर चला वो, बोल लो 9 नंबर, दिस इज 9। इंगमा एक छोटो चित्र यू है वो थोड़ा देख के अपन जल्दी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है।